कितना बेहतरीन और परफेक्ट हलवा बन के रेडी है हमारा आटे का। अब बिल्कुल कम घी में और कम चीज़ों में हलवा बन के रेडी है। एक बार ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। इसके लिए मैंने एक कप आटा ले लिया, एक कप चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके मनपसंद हो वो ले लें, दो हरी इलायची, हमने घी ले लिया। चलिए बनाने की प्रोसेस की तरफ। एक छोटे से पतीले में हम चीनी को डाल देंगे, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी को अच्छी तरीके से चीनी पानी में हम खौला देंगे। इसे हम चाशनी नहीं बनाएंगे, चीनी घुलने तक पानी को हम गर्म कर लेंगे। उसी तरह हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। पहले हम आटे को भून लेंगे, सीड ड्राई रोट्स कर लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है आटे में वो निकल जाए और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बने आटे का। तो हम इसे बिल्कुल हल्का भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसका हल्का कलर चेंज होगा, उसके बाद हम निकाल देंगे आटे को। हमने आटे को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोट्स कर लिया है। देखिए, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया आटे का। इस इतना तक हम आटे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसके में हम आटे को निकाल देंगे, एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे आटे को। देखिए, पानी हमारा अच्छी तरीके से खौल चुका है। अब इसे हम गैस पर से उतार देंगे पानी को। वापस से हमने गैस पे चढ़ा दिया कढ़ाई को। अब इसमें हम घी डालेंगे। स्पून से 2 टेबल स्पून घी डाला। घी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में रोस्ट कर देंगे। आप अपने पसंद से जो आपके पास है वही ले ले। मेरे पास बादाम और नारियल और ये किशमिश है। मेरे पास काजू नहीं है, चाहे तो आप काजू भी डाल सकते हैं। इसे हल्का हम 20 से 30 सेकंड तक अच्छा से रोस्ट कर लेंगे। अभी हम इसको निकाल देंगे। वापस इसमें हम किशमिश डाल देंगे। इस किशमिश को ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे ना तो किशमिश काला हो जाएगा। इससे हम 2 से 4 सेकंड तक किशमिश भी हमारा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी घी में हम आटे को डाल देंगे। इसमें हमारा पूरे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर चला गया, इसे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें हम कुटा हुआ इलायची डाल देंगे। इसमें वापस से आटे को डाल देंगे। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आटा घी मेरे सबको हम अच्छी तरीके से मिला के भून लेंगे। आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आटे को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से कलर ना आ जाए और उसके बाद ये अच्छी खुशबू आने लगे, तब तक हम आटे को भून लेंगे। अगर आप हलवे में अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो आटे को आप पहले बिना घी के पहले भून लें, उसके बाद आप बाद में घी में डाल के भून लें, तो आपका बिल्कुल अच्छा बेहतरीन टेस्ट आएगा आटे के हलवे में। देखिए, आटे का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है। अब इसमें हम जो चाशनी बनाया है चीनी का वो डाल देंगे। आटा हमारा अच्छी तरीक़े से भून चुका है घी में, इसमें अच्छी सी महक भी आने लगी है। अच्छी तरीक़े से भून लेने मिला।
इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल दें। आप लोगों को दिखाते हैं हम डिसोट कर। तो आटे का हलवा बनके हमारा अच्छी तरीके से रेडी है। तो मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ साफ किया। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर आप आटे का हलवा बनाएं, बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार बनके रेडी होगा आटे का हलवा। कि कितना बेहतरीन का कलर आया, देखिए कितना अच्छा बना हमारा आटे का हलवा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सबा मेराज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।